तो ये हमने बाद में ही घर जो है ना बनाया था। पहले तो मैं इधर ही एक कमरे में ऊपर ही गुजारा करती थी बड़ी मुश्किल से। जमाने के घर, ये हिंदुओं के जमाने के घर हैं। और ये हुरिया की कैटो है, इसका नाम है शाइनी। हुरिया भी प्यारी है, हुरिया की तरह उसकी कैटो भी प्यारी, बड़ी प्यारी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। वेलकम बैक उज़्मा की दुनिया अनदर व्लॉग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की सपोर्ट का। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया पिछले 3 दिन से, और मेरा दिल जो इतना उदास था वो खुश हो गया। तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो आप लोगों के कमेंट्स थे कि आप ट्रैवलिंग और कुकिंग का व्लॉग बनाए, तो कुछ ने कहा था कि फैमिली के साथ भी आएँ, फैमिली के साथ भी आएंगे और कुकिंग जो है ना वो भी मैं किया करूँगी, लेकिन मेरी जो कुकिंग होगी वो डिफरेंट होगी। मैं बड़े बड़े इंशाल्लाह अपनी इनकम में से, जो इनकम आएगी मेरी उसमें से इंशाल्लाह अपना हिस्सा डाल के बड़े बड़े पतीले बनाऊँगी गाँव के अंदर जा के और पका के, तो वो फिर हम खिलाएंगे जो भूखे हैं, जो लोग मजदूर टाइप जिनको जिनकी दिहाड़ी नहीं लगती, खाना उनको खिलाएंगे। तो कल इंशाल्लाह ताला मैं पहला पतीला एक पकाऊंगी, गांव के अंदर जाना है मैंने, वहाँ पे जाके पकाना है। तो मुझे बताइएगा वो वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर तो वो व्लॉग आपको पसंद आ गया तो फिर हम कुकिंग ही कंटिन्यू रखेंगे और ट्रैवल भी किया करेंगे। तो आज चलते हैं बाहर, एक तो मैंने बड़ा अच्छा सा इंटरव्यू करना है, वो आपको दिखाती हूँ। लड़की चल के बड़ी खूबसूरत लड़की है, शादी करना चाहती है, तो उसने कहा कि मेरा आप इंटरव्यू करें ताकि मेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए। तो अभी उसके पास चलते हैं, फिर रास्ते में कोई जाते हुए कोई चीज़ अच्छी लगी तो आपको आज छोटा सा ट्रैवलिंग का व्लॉग भी दिखाऊँगी। तो कल से इंशाल्लाह फिर कुकिंग का जो है ना व्लॉग हम डालते हैं, बड़ा पतीला बना के, यूनिक रेसिपी होगी। आप जब वो रेसिपी देखेंगे तो हैरान रह जाया करेंगे कि उसमें आपने ये भी आपको पकाना आता है, आपने पकाया कैसे। थैंक यू सो मच। और दूसरा, लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे कि आपने डिवोर्स दे ली है, आपको डिवोर्स हो गई है, आप बता नहीं रही। तो मैं किसी भी कमेंट का कोई जवाब नहीं ये देना चाहती। आप सिर्फ व्लॉग देखें मेरे अच्छे अच्छे से कुकिंग वाले, और इनके साथ भी मैं आया करूँगी, फैमिली के साथ भी, तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। तो अभी चलते हैं बाहर और फिर रास्ते में जो भी है आपको दिखाते हैं। तो थैंक यू सो मच, मेरे साथ जुड़े रहें और ये व्लॉग देखें आज का भी कितना दबंग जाएगा। ये मेरे अब्बू का कुरान पाक है, ये पढ़ते थे वो, अब मैं पढ़ती हूँ। ये देखें उंगलियों के निशान, अभी तक वैसे ही हैं माशाल्लाह। अंदरून लाहौर है और छोटी छोटी सी गलियाँ होती हैं, तो आप लोगों ने कहा था ट्रैवलिंग व्लॉग भी दिखाएं और कुकिंग भी, तो इंशाल्लाह करते हैं। तो अभी मैं एक इंटरव्यू करने जा रही हूँ, बड़ा दबंग इंटरव्यू है, एक लड़की का इंटरव्यू है, तो वो जब आएगा वो भी आप देखिएगा। फिलहाल आप ये अंदरून लाहौर का जो है ना बाज़ार देखें। ये चाय बड़ी मशहूर है, बड़ी पुरानी दुकान है पठानों की, और बड़ी मशहूर इनकी चाय है। इस तरह की गलती है, ये देखिए ड्रोनी बहुत छोटी दुकान। ये जी हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे मैंने उस लड़की का इंटरव्यू करना। तो ये देखिए ये पुराने ज़माने के घर, ये हिंदुओं के ज़माने के घर हैं। हम इस टाइम लोहारी में मौजूद हैं, ये देखें इस तरह से। जी मैं इंटरव्यू करने आई हूँ, जो वो देखें ये है हुरिया, कितनी प्यारी है, क्यूट सी हुरिया, इनका मैं इंटरव्यू करने आई। और ये देखें हुरिया की प्यारी सी कैटो, इनका नाम है शाइनी, और ये शाइनी पता नहीं क्या क्या खाती है इसीलिए इतनी शाइन इसके बाल हैं, और बड़ी प्यारी शाइनी। इधर देखो जरा मेरे व्यूवर्स को अपना चेहरा दिखाएं, ये देखें ये शाइनी, ये देखें शाइनी, अच्छी लग रही। और हुरिया आपको कैसी लगी इनका है? नहीं आई, अच्छा अब आई, आप बनाए जरा। ये देखें जी कितनी प्यारी शाइनी है, और ये हुरिया की कैटो है, इसका नाम है शाइनी।
हुरिया भी प्यारी है, हुरिया की तरह उसकी कैटो भी प्यारी, बड़ी प्यारी। और इनका इंटरव्यू बड़ा दबंग है, आप देखिएगा आपको बड़ा मजा आएगा। नहीं मेरे पास कुछ नहीं खाने के लिए। बंद कर जी। हुरिया मुझे लगाने लगी है मेहंदी, और देखें कितनी प्यारी टिक्की बना रही है, और इसके अंदर छोटी सी डिजाइनिंग। मैंने कहा नहीं सर्दी हाथ दर्द करता है, तो हुरिया को मेहंदी बड़ी प्यारी लगानी आती है। और हुरिया की शादी पे हम आएंगे, फिर इसकी शादी दिखाएंगे आपको। देखे कितनी प्यारी हो रही है, लगाने लगी है मुझे किन्नू, क्योंकि सर्दी है मैं नहीं खा सकती। और ये देखें इतनी प्यारी मेहंदी भी लगा दी। आपका थैंक यू, शुक्रिया। उधर से मुझे पूरा नजर आ गया, तो मैंने कहा पूरा खाऊं। ये दीजिएगा, ये दे दे, ये नींबू है यार, दही बल्ले, पकौड़िए, दो टिक्कियां पा दो। ये पूरा बड़ा मजे का होता है। अभी मैं खाती हूँ, फिर आप बताती हूँ कितना मजे का। जूता मेरा टूट गया था, तो मैंने कहा एक जूता ही दे दिया जाए, देखते हैं। एक तो ये पिंक है और ये ब्लू भी है। ब्लू ज़्यादा अच्छा। ये सारे पड़े हुए अच्छे लग रहे हैं जूते। अपने घर जो कभी हुआ करता था मेरा, अंडा बनाया हुआ है। जी अभी रोटी बना रहा हूं, कुटला कुटला। अच्छा क्या पकाया है? आलू अंडे दिखाया मुझे। आपने खाने? नहीं मैंने खाने, थोड़ा सा रह गया था। ये फ्रिजू मेरी इधर चल रही है। हाय मेरा कमरा, मेरा कमरा, मेरा दरवाजे का खोले दरवाजा। आगे क्या है? लाइट ऑन करें, पंखा भी चल गया। ये मेरा मैट्रेस है और ये मेरा रूम है। ये देखिए जी मेरा रूम। मेरा आप तो जानते ही हैं इस रूम को, कितने देर हम इधर रहे हैं। कोट भी है। नवीद भाई हमजा को उठाया हुआ है। हां जी उठ। अस्सलाम वालेकुम। वो देखो हमजा, क्या हाल है? सो रहे थे? सो रहे थे हमजा? इधर देखो, सोए हुए थे आप? एलियन ही लग रहा है। एलियन लग रहा है, एलियन लग रहा है। हमजा, ये हमजा छोटा, तो भैया ठीक है? सोए क्यों हुए थे इस टाइम? हैं, मम्मा ने सुला दिया था आपको कि सो जाओ? मम्मा ने सुला दिया था आपको सो जाओ? क्या हाल है, ठीक हो? क्या कर रहे हो? देखें जी हमजा बोल नहीं रहा। मैं गुजर रही थी और स्टेशन से गुजरते हुए मेरे एकदम दिल को कुछ हो गया। मैंने कहा जाते जाते मैं अपने घर को देखते हुए जाऊं। वीर भाई आपको देखी जा रहा है, चले बैठे। हाँ भी क्या कर रहे हैं आप? हमजा, हमजा क्या कर रहे हो? मीरब के पास जाना है? नहीं उसके पेपर हो रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं आएगी, पेपरों के बाद आएगी। ठीक है, हमारी मम्मा चाय ला रही है, ले लें चाय। बिस्किट भी आ गए, चाय भी। कौसर ने महंगी चाय बना दी है। महंगी कौन सी चाय है? महंगी तो नहीं चाय। महंगी चाय बना दी है? नहीं क्यों, सस्ती है। कौसर ने बना दी महंगी चाय, पकड़े इसको, इसको बुखार हो रहा है, इसको मेडिसिन दें। दे रहे हैं। मेडिसिन दी है? नहीं। हाँ भाई क्या हाल है? मुझे ठीक है। ये हमजा, तुम लोग कल कह रहे थे कि अब हम बाजी को खेला छोड़ देंगे, उससे नहीं मिलना है।
वो थोड़ी सी हमारी वजह से परेशान होती है नवीद भाई, बात देखे सर थोड़ी सी। तो आप हमारी वजह से डिप्रेशन में, यानी कि थोड़ा सा परेशान हो जाती है ना? नहीं, मैं आप लोगों की वजह से नहीं होती, मैं वैसे ही जरा थोड़ा सा थी परेशान, बीमार हूँ। क्या हमारी वजह से आपको कोई परेशानी ना? नवीद भाई चाय एंजॉय करके पिए। हाँ जी पिए। तो ये हमने बाद में ही घर जो है ना बनाया था, पहले तो मैं इधर ही एक कमरे में ऊपर ही गुजारा करती थी बड़ी मुश्किल से। तो उसकी डिमांड सिर्फ एक ही है, देखें आप मेरी छोटी बहनों की तरह हो, वो जो रिश्ता सौतने सुतने छोड़े, इस बेस पे मैं आपको लेके नहीं आई थी, मैं आपको छोटी बहन ही बना के लेके आई थी और आप हमेशा से रहोगी, ठीक है? तो प्यार मोहब्बत से देखें, जो बात प्यार मोहब्बत से हैंडल कर ली जाए ना यार, बड़ा ही निराह आ गया, की मसला है। तो ये बाद में हमने सारा घर वगैरह सेट किया था, आपको हर चीज़ सेट हुई मिली है, अल्लाह ने आपको प्यारा सा बच्चा दे दिया, शुक्राने के नफल अदा किया करें, जो कि बिस्कुट भी खा रहा है। बिस्कुट खा रहे हो? बिस्कुट खा रहे हो? बिस्कुट खा रहे हो? ठीक है, तो खुश रहने की कोशिश करो, खुद भी खुश रहो, उसको भी खुश रखो, क्यों जी, उसके साथ खुश रहो आराम से दोनों। मेरी वजह से आप लोगों को कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ना मैं आप लोगों को डिस्टर्ब करती हूँ, ना मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर करती हूँ, क्या पकाया क्या खाया क्या नहीं, ठीक है? मैं कहती हूँ आप ये अगर ये चाहते हैं ना कि मैं खुश रहूँ, मुझे अगर खुशी देना चाहते हैं, तो ये जब दोनों खुश रहेंगे तो उसमें मेरी खुशी है, ठीक है? इसीलिए आज मैं आपसे मिलने आई हूँ, ब्लॉग देखा तो मैं गुजर रही थी और मैंने गुजरते गुजरते फिर नवीद भाई से कहा कि भाई किधर मोड़े, एक तो मेरे से गुजरते हुए रहा भी नहीं गया कि मैं अपना घर देखते हुए जाऊं। तो आप लोग जो है ना वो खुश रहने की कोशिश करें, दो है ना तारे, उसमें से एक गर्म होती है एक ठंडी होती है, तो एक को ठंडा रहना पड़ेगा, अगर दोनों तारे गर्म हो जाए तो फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, फिर आग लग जाती है और आग लगने से बड़ा कुछ जल जाता है। चाय कैसी नवीद भाई? टी वाज फैंटास्टिक बिल्कुल, टी बहुत अच्छी थी, थी नहीं है ये तो पी रहे हैं, बाद तो कह हूँ कह सकना है, ठीक है? तो मेरी वजह से आप लोगों को कोई परेशानी नहीं और आप लोगों की वजह से मुझे कोई टेंशन ना हो कि लड़ाई हुई है, जो छोटा सा घर है, मिनट लगता है सफाई करने में, क्यों जी, ज्यादा से ज्यादा एक घंटा लगेगा, क्योंकि ये तीन लोग हैं, वो सुबह गए गंद डालने वाला भी नहीं ना, आपका एक दिन सफाई हो तो अगले दिन साफ सुथरे, वो सुबह जाते हैं रात में आते हैं वापस। तो आप हमारे प्यारे व्यूवर्स हैं, हमारी फैमिली है यूट्यूब की, हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं है, कोई मामला नहीं किसी किस्म का भी, हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारी फैमिली, आप हमारे साथ अटैच है, तो आप लोग हमारे पर्सनल जो है लाइफ देखते हैं। तो कुकिंग की इंशाल्लाह व्लॉग मैं बनाया करूंगी, तो कौसर भी व्लॉगिंग कर रही है, अच्छे व्लॉग बनाती है, तो आप इसके भी व्लॉग जो है उनको पसंद करें, ताकि ये एस्थमेटिक पेशेंट है, एस्थमा इसको, तो उससे भी थोड़ा टेंशन से भी रिलीज रहेगी, टेंशन इसकी रिलीज हो जाएगी और टेंशन फ्री रहेगी, व्लॉग बनाएगी, व्लॉगिंग में नई नई चीज़ें होती हैं, बंदा नई बात सोचता है, नई बात करता है अपनी ऑडियंस से, उनके कमेंट्स के मुताबिक भी बनाता है। तो हमारा आपस में किसी किस्म की कोई झगड़ा कोई लड़ाई नहीं है। हाँ मैं रोज इधर नहीं आ सकती, ये रोज उधर नहीं जा सकते व्लॉग बनाने के लिए, तो व्लॉग बनाने के लिए इकट्ठे होना पड़ता है ना, तो उसमें बस थोड़ा सा हमारा है ये क्लैश। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं कुकिंग करके तो मजदूरों को खिलाऊंगी, क्यों नवीद भाई जी, तो कुछ इसका स्वाद भी बड़ा है, आपको पता है खाने का कितना स्वाद है किसी भूखे को खाना खिलाना। कुछ कहना चाहेंगे फिर जाना है मैंने, दाएं हाथ से मैं चाय पी रही हूँ, बाएं से नहीं जी। हाँ जी, व्लॉग कैसे बना रही हूँ? अच्छे जी, कोशिश तो कर रही हूँ कि अच्छी बने। हाँ वो कौन सा प्रोफेशनल है या उसको बोलना जो है वो शुरू से उसने बड़ा सीखा हुआ, तो आहिस्ता से हो जाएंगे अच्छे। आप लोग अच्छा सा कमेंट करेंगे ना, इससे कौशल की हौसला अफजाई होगी, बहुत अच्छी है, इसकी पीछे भी तारीफ मैं करती हूँ, मुँह पर भी करती हूँ। हाँ कभी हम कैमरे में थोड़ा बहुत अगर लड़ लें तो वो हमारी एक फनी लड़ाई होती है आप लोगों को दिखाने के लिए कि सोचने सोचने लड़ भी सकती है, लेकिन हम तो सोचते नहीं है ना। उसकी चीख इसकी चीख फनी तीन दफा रुकी है, हाँ तीन दफा रुकी, मैं भी देखे कर रहा है ये, मैं करके दिखा रही हूँ देख जा रहा। खिला हुआ गुलाब आप है, बड़े लाजवाब।
रब है, चीख है तेरी लाज। देखी जा रहा है कौशर साहब, लोग कहते हैं कौशर अपना चेहरा नहीं दिखाती थी, देख लो कौशर ने अपना चेहरा दिखाया दिया। ये सेम है, ये देखे सेम जो इसकी इधर डिंपल पड़ता है ना, ये इसको क्या कहते हैं, चिन कहते हैं, ये चिन के अंदर इसके डिंपल पड़ता है। मेरा छोटा पड़ता है, कौशर के बड़ा पड़ता है। ये देखे तो ये चिन के अंदर डिंपल पड़ा, ये नोज भी कौशर का है, ये चिक्स इसको कहते हैं, ये मीरब जैसा है। अच्छा, मीरब के साथ टाइम ना आता है, वो अपने अब्बे वर्गी है, अपनी अम्मा वर्गा, सब डिफरेंट सांचे रले फिर दे रहे, कोई किधरों किन्ना बच्चा को कितनी बच्ची, तीन डिफरेंट रले फिर रहे हैं। चले खैर है, कोई बात नहीं। तो व्यूवर्स कुछ रहा करे, बात रहा करे, जी कोई पैगाम है व्यूवर्स के नाम, कहने तो कौशल ने बड़ा जुल्म कर लिया। हाँ, मुझ पे बहुत जुल्म होता है, मुझ पे मारा भी जाता है मुझको। कोई जुल्म नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, बहने आपस में लड़ती भी हैं, झगड़ती भी हैं। नहीं, मैं लड़ती नहीं, मैं बस मेरी एक ही लड़ाई है कि तुम जो है ना सुधर जाओ कौशल। नहीं, हमारी तो कोई लड़ाई नहीं होती। गर्म पानी का सुबह ना एक बड़े कप से शुरू करो और उसको फिर चार कप तक ले जाओ, ये तुम्हारा अस्थमा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। गर्म पानी सुबह चाय की तरह पीना, जितनी चाय गर्म होती ना उतनी। कोई नहीं पीना, जो मर्जी कर लो। फिर दफा हो जाओ, नहीं तो ना सही। चले जी ठीक है, मैं जा रही हूँ घर। चले व्यूअर्स, चलते हम अपने घर, मिल गया इनसे।